एक कहानी जो सबको सुनानी है, डिफरेंशिएशन की कहानी जो आपको कंप्लीट करना है मात्र 15 से 20 मिनट में। आपको कैसे कंप्लीट करना है उसकी कहानी मैं बताने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्मूला, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद कैसे करना है वो भी सिखाया मैंने। तो सबसे पहले जब भी हमने डिफरेंशिएशन बताया था, क्योंकि हम जो ये जो पढ़ा रहे हैं 15 मिनट में जो रिवाइज करा रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन की, आप जाकर पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक करो। मैथ्स में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन रिवीजन जब भी आप करते हो, जब भी आप रिवीजन करते हो तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला का अप्लीकेशन देखना है, अप्लाई करना है। और जब भी आप पूरे चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको तकलीफ क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, आपको तकलीफ होता ही नहीं है। इसलिए जैसे ही हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मुझे कम टाइम में पूरे रिवीजन कराने हैं। मीनिंग इज डेरिवेटिव, द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डिवाइड, टू डिवाइड। जब भी हम नोटेशन की बात करते हैं, जैसे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, आप इसको लिखते कैसे हो, डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, एफ प्राइम एक्स, आप इसको रीड कैसे करते हो, एफ प्राइम एक्स। लिखना नहीं है, बस केवल सुनते जाना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये शॉर्ट वीडियो उनको ही काम आने वाला है जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ाई किया हुआ है। जिन्होंने अभी फिल्म देखना स्टार्ट किया उनको समझ में नहीं आने वाला है। जो फिल्म को देख चुके हैं, उस फिल्म का नाम है डिफरेंशिएशन, उनको ही ये कहानी समझ में आने वाली है, और उनके लिए ही ये वीडियो है। जिन्होंने अभी तक सीखा नहीं है, लास्ट मोमेंट में रिवाइज कैसे करना है, और जिन्होंने सीख लिया है, जिनको डर लग रहा है कि हम डिफरेंशिएशन को फास्ट कैसे रिवाइज करें, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो हर जगह तक पहुंचना चाहिए, और आपको वीडियो को अंत तक देखना है। यकीन मानिए आपको सारे कंसेप्ट काफी इजी वे में मैं सिखाने वाला हूं। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे आप लिखते हो डी बाई डी वाई, इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। यहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो लिखा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई लिख सकते हो यहां पे, यस और नो, जो वाई है यहां पे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो नीचे रहता है उसको हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे क्या बोलने वाले हो आप, यहां पे एक्स बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये था हमारा फॉर्मल डिफरेंशिएशन। फॉर्मल डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन क्या होगा, जब भी हम डिफरेंशिएशन का बात करते हैं, इसका मीनिंग होता है टेंजेंट, इसका मीनिंग होता है स्लोप, इसका मीनिंग होता है अगर आप कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऑलवेज याद रखना है, जो हमारा नीचे रहता है उसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल है, एक्स बोलेंगे, अगर यहाँ पे वाई है तो हम वाई बोलेंगे, अगर यहाँ पे हमारा टी रहता तो क्या बोलते, टाइम बोलते, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट का दिया रहेगा, तो जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या आने वाला है, वेलोसिटी आने वाला है। तो सबसे पहले जब भी हम फॉर्मूला में पहुंचते हैं, फॉर्मूला में हमने ऐसे बताया हुआ है कि जब भी, जैसे आप देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस जी एक्स, अच्छे से ध्यान देना है, आपको सारे चीज समझ में आने वाला है सारे चीज, क्योंकि टाइम हम काफी कम ले रहे हैं। फिर भी मैंने क्या बोला है कि एक एक चीज मैं बताने वाला हूं कि आपको 15 मिनट में रिवाइज कैसे करना है। आपको बुक तो खोलना ही पड़ेगा, आपको नोटबुक भी ओपन करना पड़ेगा, आपको पेन भी चलाना पड़ेगा। हमारा काम क्या है, गाइडेंस देना, प्रॉपर गाइडेंस और आपका प्रॉपर ईमानदारी, जब दोनों मिलेंगे उसके बाद आप महक मचाओगे तहलका और आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी डिफरेंशिएट करते हो, मैंने पूरे मैथ्स में बताया हुआ है कि एंड का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, और का मीनिंग क्या होता है, प्लस। जब तक आपको टास्क कंप्लीट नहीं हो, जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो उसके बाद क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। यहां पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस साइन एफ एक्स, यहां पे क्या लिखोगे, माइनस साइन एफ, उसके बाद मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना है, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता है। और उसी को आप क्या बोलते हो, चेन रूल, उसी को आप क्या बोलते हो, चेन रूल। तो एफ एक्स को क्या लिखते हो यहां पे, एफ डैश एक्स। ये सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन आपको आज सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि आपको सारे जो भी आपको मिस्टेक्स होते हैं डिफरेंशिएशन में, एक एक मिस्टेक्स को हम लोग देखने वाले हैं और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, आपको क्या करना है, पहले जो फर्स्ट फंक्शन है, जैसे बोडमास रूल हमने पढ़ा था, बोडमास रूल, वैसे स्टार्ट करना है। सी का मीनिंग क्या होता है, कॉस, इसका माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर से मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स, एक्स का करोगे तो वन आता है, इसलिए नो नीड टू राइट। जैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ कॉस एक्स को, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। फिर से एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वन आता है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम सीख रहे हैं, तो मैंने बताया चेन रूल, जिसको सीखना है
चेन रूल जिसको सीखना है। अभी जब भी हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने बताया था एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग विथ लेटर सी then their differentiation will be with negative sign। आप ऐसे बोलोगे, जैसे हम cos x का differentiation करते हैं, dy dx of cos x, मुझे cosec x का differentiation करना है, cot x का differentiation करना है, सब में माइनस आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हम जान चुके हैं फॉर्मूला, और अभी आपको आपने याद कर लिया है फॉर्मूला। जब भी हम फॉर्मूला याद करेंगे तो जो हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है उसको जाके देखना है, और अभी जो है फुल रिवाइज करना है, और आपको चेन रूल याद करना है। फिर हमने जो कंसेप्ट बताया था कि y इज इक्वल टू, अगर फंक्शन दिया हो प्लस और एडिशन के फॉर्म में, आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया जा सकता है, आपको डिविजन के फॉर्म में दिया जा सकता है, इसको आपके क्या बोलते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसको आप क्या बोल सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसको आप एडिशन बोल सकते हो और सब्ट्रैक्शन। ये इससे हम क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट रूल, और इसको क्या बोल सकता है, डिवाइड रूल या कोसेंट रूल बोल सकते हो, कोसेंट रूल। इसमें कुछ भी नहीं करना है, dy बाई dx जस्ट एज इट इज लिखो आप, यहां पे du बाई dx करो, प्लस माइनस करो dv बाई dx, यहां पे क्या करना है, dy बाई dx आ रहे समय, और ऑलवेज आपको लिखना है यहां पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो ये हमारा प्राइमरी पार्ट है कि विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, सो विथ रेस्पेक्ट टू x ऑलवेज लिखना है आपको। जैसे ही यहां पे देखो, ये जो फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं हो रहा है, आ रहा है समझ में, जब भी फॉर्मूला किसी को याद नहीं हो रहा है तो मैंने क्या बताया है कि यहां पे u इंटू वी है, आ रहा है समझ में। जैसे इनको शादी करना है, दो ऑप्शन है इनके पास, एक है कैटरीना कैफ, एक है ऐश्वर्या राय, तो इनके पास क्या कर सकते हैं, किसी को भी कांस्टेंट लेंगे, दोनों से शादी तो कर नहीं सकते हैं, तो एक बार कैटरीना है, ऐश्वर्या राय है, कैटरीना कांस्टेंट रखा, दोनों का शादी हो गया है, माफ करना आप लोग, फ्लो में बोल दिया है। यहां पे देखो यू डीवी बाई डीएक्स, और फिर क्या कर सकते हो, वी को कॉन्स्टेंट, डी यू बाई डीएक्स, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने बताया हुआ है। और का मीनिंग क्या होता है, प्लस, एंड का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, सो यहां पर डीवाई बाई डीएक्स u dv by dx प्लस v du by dx, ऐसे करके आपने लर्न कर लिया, आ रहा है समझ में। लेकिन सपोज करो कि यहां पे जो दो ऑप्शन है, y इज इक्वल टू u by v, तो यहां पे क्या है, यहां पे ऐश्वर्या राय है लेकिन यहां पे राखी सावंत है, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप राखी सावंत को कांस्टेंट कर दोगे, आ रहा है समझ में। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिद्दी, वो बोलेंगे नहीं मुझे तो उसी से ब्याह रचाना है, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए निगेटिव लिखना है, क्योंकि आप u को कांस्टेंट रख रहे हो और dv by dx, और लास्ट में जो भी नीचे है राखी सावंत उसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ऐसे करके हम डिवीजन रूल याद कर सकते हैं, ऐसे करके हम कोसेंट रूल याद कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अभी हम पढ़ चुके हैं चेन रूल। उसके बाद जो नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी बेसिक के साथ हमने पूरे चैप्टर को कवर कर दिया है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो और आपका कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए, इसलिए ये करना है। अब नेक्स्ट जो जाते हैं हम लोग, सो एक आता है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब ये रिवीजन करने के लिए काफी अच्छा है, एक बार रिवीजन करके और जो भी हमने नोट्स दिया हुआ है सारे नोट्स को पढ़ना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप यहां पे लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन।
जब भी लॉगरिथमिक लिखते हो, जब भी लॉगरिथमिक, इधर देखो, इधर इधर ध्यान रहना चाहिए क्योंकि 15 मिनट में हम कंप्लीट करने का वादा किया था हमने आपसे। जब भी, कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमारे पास वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, और टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर x हो और साइन x का पावर x हो, e का पावर x का पावर x हो, उसमें हम लोग लॉग यूज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे क्वेश्चंस देख सकते हो, y इज इक्वल टू x का पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x का पावर x, सो डिफ्रेंशिएटिंग करोगे 1/y एंड dy by dx, और इसको आप क्या लिख सकते हो, पावर बिकम्स कोफिशियंट x log x, x को कांस्टेंट करोगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, सो dy by dx, y को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस log x, y इजिकल टू क्या लिखते हो, x का पावर x 1 प्लस log x। तो ऐसे करके हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, आ रहा है समझ में, जस्ट क्विक रिवीजन है हमारा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट क्विक रिवीजन भैया, आंखें खोलो, आंखें खोलो, 4-5 मिनट ही बाकी है। यहां पे देखो, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, जैसे y इजिकल टू t दिया है, x इजिकल टू क्या दिया है, t स्क्वायर दिया है, हियर y एंड x आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर, हियर y एंड x आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर, here y and x are related with some common parameter and that common parameter is called t, so mujhe jab bhi aise differentiation karna hai, mujhe find karna hai dy by dx, to main kya karunga, dy by dt find karunga, phir dx by dt find karke usko divide kar dunga, dy by dt kya aaya 1, dx by dt karoge to kya aa gaya 2t, yes or no, inverse trigonometric function ka differentiation karne ke liye aapko bhaiya kuch bhi nahi karna hai, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। जैसे अगर आपको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो एक तो मेथड है हमारा, एक मेथड है नॉर्मल मेथड जो हमने कर दिया और ऐसे लिख दिया, यहां पे भी आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन अगर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, उससे हमको फायदा क्या होने वाला है, इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, और इससे क्या होने वाला है, डीवाई बाई डी एक्स हमारा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, हमारा dy by dx जीरो होने वाला है, इससे हमारा क्या होने वाला है, dy by dx जीरो होने वाला है, तो ये रहा हमारा आंसर इसका। तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना जरूरी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम कुछ करते ही नहीं है, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसको भी मैं बताने वाला हूं। जब भी मुझे डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन करना है, यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, आ रहा है समझ में, मतलब कैसे है कि वाई और एक्स को हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं। कहानी ऐसा है कि एक आदमी ने पूछा कि जब राम को सब मालूम था तो वो रावण को चेस्ट पे क्यों नहीं मार रहे थे, रावण के आरासन में, तो ऐसा मानना था कि एक सेकंड के लिए भी सीता माता उसके दिल से अलग नहीं हो रही थी और सीता माता के दिल में राम थे, तो अगर रावण को मारा जाता तो रावण तो मरता ही, सीता माता मर जाती, और सीता माता मरती तो राम मर जाते, और राम मर जाते तो पूरा ब्रह्मांड मर जाता, लोग मर जाते सारे, इसलिए वो क्या था, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग क्या है, दो चीजों को हम अलग ही नहीं कर पा रहे हैं, यहां पे हियर वाई एंड एक्स आर कैन नॉट बी रिटर्न सेपरेटली, इसलिए मुझे क्या करना है, इसको जब भी डिफरेंशिएट करना है तो नॉर्मल करना है, डीवाई बाई डी एक्स करो साइन एक्स वाई, क्या करोगे कॉस एक्स वाई, आ रहे समय, फिर से अंदर का डिफरेंशिएट करो तो एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसको सिंप्लीफाई करके डीवाई बाई डी एक्स के टर्म में लिख देना है, x dy by dx cos x y plus y cos x y, आप इधर ट्रांसफर करोगे और लिख दो आप इसको इजिली। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मात्र हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको याद रखना है dn y अपॉन dxn, इसको हम लोग बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सो क्या लिखते हो आप, dy by dx इज इक्वल टू 2x, फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, 2 लिखते हो,
फिर से डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, जीरो लिखते हो। तो ऐसे करके और नेक्स्ट क्या करना है, सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस उसको करके जाना है, क्योंकि आप कितना भी शॉर्ट करना पड़ा। ये तो था हमारा जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन कि आपको पढ़ना कैसे है डिफरेंशिएशन। और एक चीज और भी याद रखना है, जब भी वाई इज इक्वल टू यहां पे जैसे साइन एक्स दिया रहता है तो आप डीवाई बाई डी एक्स क्या लेते हो, कॉस एक्स लिखते हो, लेकिन यहां पे एक्स क्या है, रेडियन में है। तो कल भी मैंने बताया था अगर अगर डिग्री में रहेगा तो फर्स्ट कन्वर्ट एंगल इंटू रेडियन। सबसे पहले जो भी डिग्री में है उसको कन्वर्ट करना है एंगल में। कैसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो हमने 15 से 16 मिनट में ही आपका जो वादा किया था उसको पूरा किया। आपका वादा क्या है कि अच्छे से रिवाइज करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना है, विथ एग्जाम्पल्स करना है, क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन का डिफिनीशन करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एक हो सकता है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक हो सकता है प्रोडक्ट फॉर्म में, कोशेंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो सकता है, या सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस्ड हो सकता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इम्प्लिसिट फंक्शन करना है, हायर डेरिवेटिव करना है, सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस करना है। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।